आज मुझे शॉप ओपन करनी थी, वो भी 10:30 बजे। वो आज मैं लेट उठा और अभी 9:50 हो रहे हैं। पता नहीं मैं कब पहुंचूंगा, लेट हो गया भैया। चलो भाई मैं तो पहुंच गया। सही में बहुत लेट हो गया, मैं तो आज बहुत ज़्यादा लेट निकला था सही समय में। अब इतना ही ट्रैफिक था तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। अब ट्रैफिक की वजह से मैं यहाँ लेट पहुँचा। अब 11 बजे मैंने शॉप ओपन की है। हाँ की मुके यहाँ लगा देता हूँ। चलो भाई अभी तो पोछा लग रहा है। मैं सुबह लेट कैसे हो गई आने में बताता हूँ। मैं सुबह 6 बजे उठा जिम के लिए। अब मैं उठो गया 6 बजे, अब मैं गया सीधा जिम। अब देखा तो जिम बंद था, फिर मैं घर आया, देखा तो अभी 3 घंटे बाकी है जाने के लिए यहाँ शॉप में आने के लिए। फिर मैं सो गया। अब मुझे उठना 9 बजे, मैं उठा 9:30 बजे। अब मैं जल्दी नहाया और मैं यहाँ आया। अब देखा तो खानपुर में इतना ट्रैफिक था, 15 मिनट वहाँ लग गए बाहर निकलने में खानपुर के। फिर मैंने ऑटो पकड़ा, ऑटो से फिर मेट्रो पकड़ा, फिर मेट्रो से यहाँ आया। यहाँ पे भी आने में टाइम लग गया। फिर मैं यहाँ टोटल कितने बजे पहुँचा, 11:20 में पहुँचा। और ये जो बॉक्स है ना, ये अभी अभी आया, मैं इसे पहले आ गए थे, शॉप के बाहर रखे हुए थे। और जो बंदा ले गया वो भी बड़ा बाहर खड़ा था, उसने मेरे चाचा को फ़ोन कर दिया। चाचा का फ़ोन आया, तू तो अभी तक शॉप पहुँचा नहीं। मैं कहा नहीं, मैं लेट हो गया। उन्हें कहा तो जल्दी आ। वो बॉक्स वो आया हुआ है कुरियर वाला, इसे वो आया। फिर यहाँ मैंने बॉक्स रखे, इसके अंदर भी क्या है, टॉयस ही है। अब इसको लगाएगी, अब स्कैन करके इसकी RTO आ जाएगी बस। अब ये कि भाई लेट हो गया, बस हमेशा की तरह लेट ही हो रहा हूँ, क्योंकि यार दूर भी बहुत है यार ये RD मॉल। चलो छोड़ो, अब जल्दी से अपने कपड़े पहन लेता हूँ। कभी सिस्टम ख़राब हो जाता है, कभी CPU ख़राब हो जाता है। अब देख सकते हैं AC भी ख़राब हो गया। अभी तो चाचा है नहीं, चाचा आएगा तब मैं कंप्लेंट करने जाऊँगा। अभी कोई है नहीं शॉप में, इससे मैं अकेला हूँ। जो ये टी शर्ट है, इसका कपड़ा यार ख़राब ही है। इसको धोने के बाद ना ये कपड़ा ऐसा हो जाता है। अब इसको प्रेस मरवानी पड़ेगी। अब कब बार बार वहाँ जाता हूँ सीलों में प्रेस करवाना, अच्छा भी नहीं लगता यार, क्योंकि कंपनी की प्रेस है वो। कहीं ख़राब वराब होगी ना, सारे पैसे वसूल लेगी। वैसे अब तो किरवानी तो पड़ेगी, वैसे भी गंदा दिख रहा हूँ उसमें। बंदा क्या है, टी शर्ट ही गंदी दिख रही है। अभी दोपहर के बज रहे 1, और मॉल के जितने भी स्टोर थे वो सब खुल गए, और साथ में हमारा भी खुला। सबसे लेट तो मेरा ही खुला है स्टोर। वैसे इन बॉक्स में तो बोर्ड गेम आए हुए, ये हमारे पास पहले भी आ चुके हैं। ये वहाँ रखे हुए टॉयज सेक्शन में। और इसमें क्या आया हुआ है, इसमें शायद किले आई हुई है। हाँ ये कोई लेता तो है नहीं, बस भेजे जा रहे। और इनमें भी यही होगा, सेम ही होगा। लगाने के लिए तो जगह है नहीं, पहले वाले तो भी ये तो है नहीं। अब ये लगाएगी तो अब जगह होगी नहीं होगी ये तो पता नहीं, मुझे लगाना होगा। चाचा तो आए नहीं, चाचा मेरे बदले गए वर्ड मार्क। वो नीरज सर आएगी, वो अभी तक आए नहीं। अब वो आएगी स्कैन करके, फिर मैं इसको लगाऊंगा। इन सेल्फों को जितनी बार भी साफ कर दूँ फिर से इनमें धूल जम जाती, क्योंकि ये ब्लैक है, इसमें धूल आराम से दिख जाती है। वाइट वाली हो ना तब इसमें धूल दिखाई नहीं देगी। एक साल है यहाँ पे चेंज की दिक्कत है। अभी एक कस्टमर आए थे, उनने ये नोटबुक ली थी, अभी है 275 की, और मैडम ने दिए थे 500 रुपये। अब मैडम को मुझे वापस करना 225 रुपये। अब मेरे पास चेंज था ही नहीं। अब वो भी क्या, अब क्या करूँ यार, चेंज है ही नहीं। अब मैं किसी को कार्ड ऑनलाइन करने के लिए बोलूँ, या कार्ड कर लो मैम, या ऑनलाइन पेमेंट कर लो, विश्वास होता नहीं। सोचते हमारे साथ वो कर देंगे, स्कैम कर देंगे। देख भाई इतना बड़ा स्टोर खोल के रखा तो हम स्कैम करेंगे, हमको क्या मिलेगा स्कैम करके भाई, कुछ मिलेगा क्या? इतनी अच्छी नोटबुक बिक जाती यार, अब क्या करे यार, चेंज था ही नहीं। जो ये बॉक्स आया ना आज, इसकी NOC ये थी। और कितने कितने बॉक्स में कितने टॉयस है इसमें लिखा हुआ है। एक बॉक्स में 12 टॉयस है। ये कॉन्टीन्यूटी है, पीस है, और इसकी प्राइस है। टोटल सामान कितने का होगा? हाँ टोटल सामान होगा, जितने भी टॉयस है उसके अंदर जितना भी प्राइस है टोटल मिला के 32,766। और कॉन्टीन्यूटी कितनी है, क्वान्टिटी नहीं पता कितनी है भाई। इतना जितना भी ये बिकेगा ना टोटल, इतना अमाउंट आना चाहिए बस। अब चलो भाई इसको खोल के अब स्कैन करते हैं। काम करने का वक्त आया ना, नीरज सर लंच करने चले गए। क्या बॉक्स के अंदर जितने भी टॉयज को स्कैन करना था वो आज ही लगाना था, क्योंकि भाई DLF से 17 बॉक्स और आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता भाई यहाँ पे भीड़ बन जाए ना स्टोर रूम में बॉक्स रखूँ मैं, क्योंकि भाई जगह इतनी खाली था बॉक्स। और बाकी बॉक्स अभी बचे हुए साकेत मॉल के,
अभी यार 17 बॉक्स और आएगी, 14 बॉक्स है, कम से कम 17-14 कितने हुए, 11-21 बॉक्स हुए टोटल। अब 21 बॉक्स कहाँ रखे, वो भी बड़े बड़े आएंगे, उसके अंदर भी टॉयस होगी। अभी बस जल्दी नेसर आए फिर मैं लंच करो, फिर मैं लगाऊंगा। स्कैन करने के तो मुझे मना तो किया यार, क्योंकि कहीं गड़बड़ होगी ना, आगे जाके दिक्कत पड़ जाएगी। मैंने एक्सेल फोल्डर तो बना दिया, अब इन बॉक्सों को अब इसमें स्कैन करता हूँ और जल्दी से सारे बॉक्स 14 के 14 बॉक्स इस एक्सेल में रिपोर्ट में मैं बना देता हूँ। अभी मैं कर रहा था लंच, अभी मैंने रोटी नहीं खाई, क्या हुआ पैंट पे सब्जी गिर गई यार, ये देखो यार, मैंने अभी तक रोटी मुंह पे रखी भी नहीं, पैंट में सब्जी गिर गई। अब मैं क्या करूं, अब इसको ऐसे तो बाहर तो जा नहीं सकते, यहीं पे साफ करना पड़ेगा अभी। मैं यार ऐसी तैसी हो गई, अब क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब पैंट धो नहीं सकता, अब मुझे पजामा पहनना पड़ेगा। सही में यार किसकी नज़र ही रख गई, इसको पहले पोंछना पड़ेगा। या कपड़ा है क्या, या कपड़ा तो है नहीं, अब कैसे पोंछूं। सारी मुसीबत आती है ना, एक नहीं 3-7 और आ जाती है। अब हुआ क्या, पैंट में तो सब्जी तो गिर गई और स्टोर की लाइट चली गई, बाकी स्टोर की लाइट आ रही है, हमारी स्टोर की लाइट तो आ नहीं रही। अब मेरे सर ने बोला है कि जा नीचे ग्राउंड फ्लोर में कंप्लेंट करके आ, अब मेरे को जाना पड़ेगा। अभी साथ में जाऊँगा नहीं, पजामा पहन के जाऊँगा, अब क्या कर सकता हूँ भाई। सब्जी तो अभी पैंट में गिरी हुई सब्जी अभी इतनी साफ़ हुई है यार, तभी भी मेरे रुमाल भी गंदा हो गया इसको साफ़ करते करते, तभी भी अब क्या करूँ, पजामा ही पहन लेता हूँ। चलो भाई मैंने पजामा तो पहन लिया, अब इसी इसको ही पहन के आज मैं काम करूँगा। अब क्या कर सकता हूँ, आदत से मजबूर हूँ मैं जीने में। अब इनने यहाँ से रास्ता बंद कर दिया क्या, मैं यहाँ से जाऊँगा। अच्छा इनने ये बनाया है स्पीड ब्रेकर, मैं तो यहाँ से आगे। BMW दिखाई नहीं दे रही आज, यहाँ तो उस दिन 3 खड़ी खड़ी थी। चलो भाई मैंने बोल तो दिया, अब थोड़ी देर में आते हैं। चलो भाई लाइट तो आ गई है, अभी मेरे को आ रही बहुत तेज की नींद, पता नहीं इसी समय मुझे नींद आती है लंच करने के बाद। अब क्या करूँ, काउंटर पे ही सो जाऊँ, नहीं ऐसा तो नहीं कर सकता मैं। अभी मैंने इस बॉक्स का एक्सेल NIC बनाई थी ना, वो मैंने इसमें बना दी है। ये है SBI नंबर, ये कितनी क्वान्टिटी है, कितने बॉक्स थे, ये है प्राइस कितने का है, और ये टोटल है पता नहीं 5-6 हज़ार का ही होगा, वो अगर जितना भी है। सबसे पहले हम इसकी एक्सेल बनाते हैं, फिर इसकी हम STO बनाएगी, फिर इसका नंबर आएगा वहाँ से, तभी हम इसको लगाएंगे। तब तक इसका नंबर नहीं आएगा ना, तब तक हम लगा नहीं सकते। स्टो में कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा यार। किसी कस्टमर ने ना इस बुक का बहुत बुरा हाल कर दिया, पता नहीं ये बुक फाड़ के चले गए यार। कोई कस्टमर मैडम ने लिया था और उन्हें बिलिंग करने रखा ना, उन्हें शिकायत की, देखो आपकी बुक का हाल, आप ऐसी बुक रखते हो यहाँ। अब क्या करूँ यार, मैं तो कुछ बोला नहीं, मैं तो सॉरी बोल के बात ख़त्म कर दी। अब ये बुक जहाँ से आई ना ये वापस जाएगी, अभी फिलहाल इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। कितना अच्छा लगा है, ये मैंने अभी अभी लगाए टॉयज, जो मैं डिब्बे को लेकर आया था, दो बड़े बड़े, ये मैंने अभी अभी लगाए, अब कितना बढ़िया लग रहा है बताओ यार। और ये पता नहीं है क्या, मेकअप का सामान है, टॉयज है क्या है, मुझे ये तो पता नहीं। अब छोड़ो, मैंने मेरा काम था लगाना, मैंने लगा दिया। अब बस मैं थोड़ी देर में घर निकलने वाला हूँ भाई, थक गया मैं तो आज काम करके। पता नहीं आज मुझे कमज़ोरी से महसूस क्यों हो रही है, मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा। भाई ना जिम नहीं गया हूँ इसलिए रख जो होगी कमज़ोरी सी, आज जिम की छुट्टी थी। अब भाई सुबह जल्दी उठ के पहले मैं जिम निकलूँगा, ठीक है। अब फिलहाल मैं जल्दी पहले यहाँ से घर तो निकलूँ। चलो भाई छुट्टी तो हो गई है और आज मेरा दोस्त इंतज़ार कर रहा है, पहले मैं उसका इंतज़ार करता था, अब मेरा इंतज़ार कर रहा है क्योंकि मेरी लेट छुट्टी हुई है, वो इसलिए उसकी जल्दी हो गई थी क्योंकि वो सुबह जल्दी आया था, इसलिए चलो भाई अब जल्दी से घर पहुँच जाऊँ। पकड़ अपना बैग, चलो चलो मेट्रो आने वाली है।